हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका पार्टनर का ना इंटरेस्ट आपसे ना बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। पहले तो आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा खासा रिलेशनशिप था, लेकिन अब ना पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं रहा, ठीक है ना। तो आप ना क्या करते हो कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, आपका पार्टनर आपका वैल्यू नहीं करता, आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता है, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर को ना कंप्लेन करते हो। पहले तो हमारे बीच में रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अब हमारे बीच में ऐसा क्या हो चुका है, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर से कंप्लेन करते हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो, तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो, मैं कॉल करता हूँ तुम मेरा कॉल पिक नहीं करते हो, मैं मैसेज करता हूँ तुम मेरा मैसेज पिक नहीं करते हो, ठीक है ना, ब्लू टिक करके छोड़ देता है। तो आप ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है ना, डिप्रेस हो जाते हो कि आखिर रीज़न क्या है, हम दोनों के बीच में इतना दूरी होने का कारण क्या है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में जो इतना दूरी आया है ना, ठीक है ना, सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ना रिलेशनशिप का, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट में आपने अपने पार्टनर को बहुत सारा ना इंटरटेन किया, इसीलिए ना वो ना आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, ठीक है ना, आप में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। और बीच में क्या हुआ ना, आप धीरे धीरे जब आपका पार्टनर आपका होने लगा ना, तब आपने फाइनली सोच लिया कि अब मेरा पार्टनर तो मेरा हो चुका है, तो मेरा पार्टनर तो अब कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना, उसको तो कुछ भी हो जाए मेरे पास ही रहेगा। इसीलिए क्या होता ना, धीरे धीरे ना उसका इंटरेस्ट आपसे ना वो ख़त्म हो चुका है। इंटरेस्ट ख़त्म होने का कारण आप खुद हो, क्योंकि पहले आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन करते थे, ठीक है ना, अपने लुक के ऊपर ध्यान देते थे, अब आप अपने लुक के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। आप जब किसी को भी जब इम्प्रेस करने के चक्कर में क्या होता है ना, आप ये सोचो कि कोई भी रिलेशनशिप में जब पहले स्टार्टिंग पॉइंट जब रहता है ना, तब आप ना बहुत ही ज़्यादा ना इम्प्रूव करने के चक्कर में रहते हो, ठीक है ना, कि यही सोचते हो कि मैं अपने पार्टनर को कैसे इम्प्रेस करूँ कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में सोचते रहे, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे मेरे ऊपर, ठीक है ना। और क्या होता है ना, दिन ब दिन आप ना इम्प्रूव करते रहते हो अपने ऊपर, कभी आप अपने फेस के ऊपर, कभी आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, ठीक है ना, कभी अपने लुक के ऊपर। तो ऐसे क्या होता है ना, आपका पार्टनर के ऊपर ना आपका ना हमेशा इंटरेस्ट बनाया रहता है, ठीक है ना, बनाया हुआ रहता है। तो इसी बीच में क्या होता है ना, आपने ना ये सारा कुछ ना एफर्ट करना छोड़ दिया, आपने अपने पार्टनर के लिए ना पहले जितना एफर्ट कर रहे थे ना, अब ना आपका पार्टनर जब आपका हो चुका है, तो ना आप अपना पार्टनर के लिए ना एफर्ट करना छोड़ दिए, इम्प्रूव करना छोड़ दिए, ठीक है ना। इसी के कारण क्या हुआ कि आपका पार्टनर ना आपके तरफ ना उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जितना इंटरेस्ट वो पहले स्टार्टिंग मोमेंट में था, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, अगर आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं लेता है ना, तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना, आपको ये नोटिस करना पड़ेगा। देखो, संडे हो या मंडे, हमेशा आपको करना पड़ेगा इम्प्रूव, ठीक है ना, हमेशा आपको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे बीच में रिलेशन ठीक ठाक रहे, हमारे पार्टनर को हमेशा इंटरेस्ट बनाए रहे, ठीक है ना, अगर 10 दिन 15 दिन एक सप्ताह भी अगर मैं ना रहूं, बात ना करूं, या फिर उनसे डेट पे ना जाऊं, तो क्या होता है ना, उनका इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। यहाँ तो दो दिन बात नहीं होता है तो आपका पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाता है, रابطہ ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये रابطہ ना आपको ख़त्म नहीं करना पड़ेगा, आपको ना हमेशा ना अपने ऊपर ना ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर हमेशा ध्यान देते हो ना, इम्प्रूव करने के चक्कर में रहते हो ना, तो क्या होता है कि आपका पार्टनर का ना इंटरेस्ट हमेशा आपके ऊपर ना बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि अपने पार्टनर को इंटरेस्ट बनाए रखना, ठीक है ना, तो आपको तो कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने गोल के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के मेंटेनेंस के ऊपर। आप जहाँ लड़की पटी तो उसके बाद तो आप अपना मेंटेनेंस करना छोड़ देते हो, ठीक है ना। जब लड़की नहीं पड़ती है ना, तब तो आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने लगते हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन के घूमते हो, अच्छा ड्रेस पहन के घूमते हो, अच्छा लुक बना के घूमते हो। जहाँ लड़की पट गई ना, उसके बाद आप ना वो सब एफर्ट करना छोड़ देते हो, आप सोचते हो कि मेरी तो हो गई। उस वक्त आपका बात करने का अलग अंदाज़ रहता है, ठीक है ना, अभी आपका बात करने का अलग अंदाज़ नहीं है। तो इसी के कारण क्या होता है ना, आपका पार्टनर का वो इंटरेस्ट नहीं रहता आपके ऊपर। तो आपको अगर इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो आपको इस सब चीज़ को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा डे बाई डे, अदरवाइज़ नहीं होगा कुछ। अगर डे बाई डे अगर आप इम्प्रूव करते रहते हैं ना,
तो क्या होता है कि आपका पार्टनर का ना इंटरेस्ट आप में ना हमेशा बनाया रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ना डेली बाई डेली ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। अब अपने ऊपर भी फोकस करो, अपने गोल के ऊपर भी फोकस करो, खुद के ऊपर भी फोकस करो, तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर हमेशा मेरे ऊपर इंटरेस्ट बनाए रहे, हमेशा प्यार दिखाए रहे, दिखाते रहे, ठीक है ना, तो फिर ना आपको ना हमेशा अपने ऊपर ना इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।